मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथ कॉलेज में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खटक साहब जो नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे मैं पाकिस्तान होम्योपैथिक इनकलाब के बारे में कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगा। सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव एंड रिगार्ड। आई होप इट प्रे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड योर सपोर्ट, जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं दोज़ हू आर क्वालिफाइड फ्राम नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, जिनको किसी भी वजह से दे आर अनेबल टू कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस, दे आर अनेबल टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आपका जो फोरम है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ ये मेहनत रंग लाएगी, और इसके अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, जितनी कमियाँ हैं, और उन होम्योपैथ की जो कमियाँ हैं, इंशाल्लाह सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक कम्युनिटी, ये इंशाल्लाह अज़ीज़ वो अपना रोल अदा करेगी। और जहाँ तक नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तल्लुक है, वी आर रेडी टू एजुकेट दोज पीपल एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस। हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन कोई 30,000 के करीब हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और जिसमें बहुत कम लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिस अपनी करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, होगी इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से, कि हम इस चीज़ को बेहतर कर सकें, और जो कमी है किसी किस्म की वो हम पूरी कर सकें, और जहाँ तक हमारी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी वक्त भी आप हमें कह सकते हैं। इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ हम आए इसीलिए कि सिस्टम को बेहतर कर सकें और सिस्टम के बेहतरी के लिए अपना रोल अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।